को मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया चीज़ें। देखें कलर कम्बिनेशन क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें नोट करनी हैं। सर ये ऑप्शन आया था इसका माइक। सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट में जाकर आपने ये एक शेप लेनी है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप, और उसको यहाँ पर बिल्कुल बराबर, देखें आप लोगों के पास तो माउस है, मैं तो डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, इसे इतना हिस्सा छोड़ने का ये होगा कि हमें इतनी ही स्लाइड्स और बनानी है, रखनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप पे चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट शेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फिल का कलर आ रहा है, फिल के कलर में हम जाएंगे, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ग्रे कलर, ठीक है, और मैं नीचे वाली स्लाइड पर क्लिक करके इसको भी मैं कर दूंगा ग्रे कलर, ताकि ये दोनों सेम ही रहें, हमें इतना फर्क महसूस ना हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से दूंगा शेडो ग्रेडिएंट फिल, सॉरी मैं क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट, इधर देखें, देखें अपने पीसी में देखेंगे समझ में नहीं आएगी चीज़। मैंने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद ग्रेडिएंट फिल पर मैं जाऊँगा, सॉरी इसका सॉलिड कलर है, शेडो में जाऊँगा, ठीक है, ये देखें शेडो आपको नज़र आ रहा है, शेडो पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने शेडो सेलेक्ट करना है, ये एक शेडो है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी में बढ़ा दूँगा 65, इसको 101, ब्लर साइज आपकी होगी तकरीबन 17 से 18, ठीक है, और ये आपकी डिग्रीज जो आएंगी ये 90 डिग्री आएगी, ठीक है, और ये 0.4 आ जाएगा डिस्टेंस में। अब देखें ये आपका एक शेड बन गया, शेड बनने के बाद आप इसको ऊपर डबल क्लिक कर लें या इसकी लाइन का कलर यहाँ से नो लाइन कर दें, ठीक है, लाइन हमने हटा दी, ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास बन गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, एक इंसर्ट में जाकर शेप्स और एक ओवल शेप लेना है, ठीक है, ओवल शेप लेने के बाद आपने इसको अगर शिफ्ट पकड़ कर प्रेस करेंगे, ड्रा करेंगे तो ये गोल ही रहेगा, ठीक है, टेढ़ा शेढ़ा नहीं होगा इतना, और अपनी साइज़ के मुताबिक देखेंगे कितना आपको चाहिए। आप नीचे क्लिक कर दें, रेक्टेंगल शेप आपने ले लिया और यहाँ से हमने इसको बिल्कुल आधे से इसको कर दिया, और यहाँ पे देखें लाइंस आपको बता रही होती हैं कि आधे पे है या कहाँ पर है, तो हम यहीं पे ही रखेंगे इसको। यहाँ पे रखने के बाद मैं पहले सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट ओवल शेप को, कंट्रोल प्रेस करूँगा, देखें ये प्लस का साइन मेरे माउस के साथ आ गया, अब मैं प्रेस करूँगा ये इसके ऊपर बटन और ये दोनों जो है वो शेप्स मेरी सिलेक्ट हो गई। यहाँ से देखें फॉर्मेट शेप के अंदर आपके पास मर्ज शेप्स का एक ऑप्शन आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसको, तो देखें ये मेरे पास शेप एक बन गई, मैं इसे उठाकर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसको रख दूंगा, ठीक है, सेंटर में रखने के बाद मैं इसके कलर को चेंज कर दूंगा, मोर कलर में जाकर मैंने जो भी कलर लेना है यहाँ से स्टैंडर्ड कलर में कोई ले लेता हूँ, मैं पिंक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी लाइन को नो लाइन यहाँ से कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सीधा सीधा आपके पास यहाँ पर बन गया। अब मैं लूँगा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं इसे यहाँ पर ड्रा करूँगा, मैंने लिखा अबाउट, और यहाँ पर देखें ये है टेक्स्ट डायरेक्शन, क्या है टेक्स्ट डायरेक्शन में जाकर मैं इसको रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री पर कर दूँगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैंने साइज़ बढ़ानी है तो मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा गोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और भी मैं आपको समझा देता हूँ, मेरी स्लाइड में देखें एक यहाँ पर एक लोगो आ रहा था,
तो मैंने तो अपने पास रखा हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को बनाने का नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपके पास वो चीज़ नहीं है, फिर भी चलो मैं उसको लगा देता हूँ ताकि खूबसूरती भी आ जाए। तो एक पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, प्रेजेंटेशन देखें, एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए ये कितनी सारी चीज़ें मैंने जमा की हुई हैं, जिनके बाद ये प्रेजेंटेशन आपकी बनी है। ये एक मैंने इंसर्ट कर लिया शेप को, और शेप इंसर्ट करने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको मज़ीद आगे ले आऊँगा और कीप चेंज, ये इसका बैकग्राउंड मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर मैं रख देता हूँ जी वाइट, वाइट कलर मैंने इसका रख दिया। रोटेट कर देता हूँ इस तरह, साइज़ में छोटी करके, और इसको मैं यहाँ पर फिट कर दूँगा, इस तरीके से रख दूँगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको जो है वो बराबर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। या आप कंट्रोल ए करके भी इनको सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में जाने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ला के रखा, यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको दोबारा इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं खींच कर यहाँ तक ले जाऊँगा, या मैं इसको अगर मैं अनग्रुप कर दूँ, अनग्रुप करने के बाद इसको मैं सिर्फ पकड़ कर यहाँ तक ले आऊँगा और फिर मैं दोबारा से इनको एक ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ये पूरी स्लाइड आपकी एक बार आ जाए। ये जब एक बार ये चीज़ें आ गई, आपने इसको ग्रुप बना दिया, ठीक है, अभी एक पूरी स्लाइड बन गई। अब आप सिंपल जो है वो डुप्लीकेट स्लाइड ले लें, ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के बाद आप इसका कलर चेंज करें, ये देखें फिल कलर में चले जाएं, यहाँ से इसका कलर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट इसी में ही आप रखें। देखें मैंने एक ही सिर्फ स्लाइड को बनाया, बाकी सिर्फ मैं एडिट करता जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ रख दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने, एक जो है वो और स्लाइड ले ली, डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे रखा, डबल क्लिक किया इसके ऊपर और इसके मैं कलर जो है वो चेंज कर दूंगा, ये मैंने रख दिया। इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया और हिस्ट्री के बजाय मैंने लिख दिया जी टाइमलाइन, और इसको मैं सेंटर में सेट कर दूंगा इधर, ठीक है। आ रही चीज़ें समझ में? फिर डुप्लीकेट स्लाइड, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक, फिल कलर चेंज ये रख दिया, टीम डुप्लीकेट स्लाइड डबल क्लिक कलर चेंज, सर्विसेज
डुप्लीकेट स्लाइड, कलर चेंज, देखिए मुख्तलिफ कलर की आपके पास स्लाइड्स यहाँ पर आ गई। ठीक है जी, अब क्या कर रहे हैं देखें, मैं पहली स्लाइड पे गया, मैंने क्या किया, ये दूसरी स्लाइड को उठाया। ठीक है, दूसरी स्लाइड को मैंने यहाँ से कंट्रोल ए करके तमाम चीज़ें सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल सी, पहली स्लाइड पे गया, कंट्रोल वी, और यहाँ से मैंने इसको बैक करके यहाँ पर ला के रखा। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरी स्लाइड पे गया, कंट्रोल, ये इसका कलर यही था, चेंज नहीं किया था मैंने, हाँ यही कलर, अच्छा इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, फर्स्ट स्लाइड पे गया मैं और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, टाइमलाइन आ गया, टीम की स्लाइड में जाऊंगा, कंट्रोल सी, फर्स्ट स्लाइड में आ गया, कंट्रोल वी, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा। फिफ्थ स्लाइड पे गया मैं, कंट्रोल सी, समझ आ रही है नहीं आ रही, सिक्स स्लाइड में गया, यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल सी, यहाँ पहली वाली स्लाइड में आके कंट्रोल वी, और यहाँ पर लाकर मैंने इसको सेट कर दिया इन सबको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन स्लाइड्स को कंट्रोल की मदद से क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँगा, क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा, ये स्लाइड डिलीट हो गई। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, देखिए मैंने पूरा सेलेक्ट किया इनको। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको उठाकर बिल्कुल ये यहाँ पर रखूँगा, जहाँ मुझे ये हिस्सा मेरे पास स्लाइड का है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी, या यहाँ न्यू स्लाइड में जाकर डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, मैंने अबाउट को सिलेक्ट किया और यहाँ सर बिल्कुल मैंने इसको यहाँ पर लाकर रख दिया। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल डी किया, सॉरी, अबाउट को मैंने उठाया और बिल्कुल यहाँ पर लाकर मैंने रख दिया, यहाँ दोबारा कंट्रोल डी, टाइमलाइन को उठाया और मैंने यहाँ पर रख दिया। अब तो आ रही है समझ में, कंट्रोल डी और टीम को मैंने उठाया और यहाँ पर लाकर रख दिया, कंट्रोल डी, सर्विसेज को मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे लाकर रख दिया, कंट्रोल डी और फॉलो को मैंने उठाकर यहाँ पर, ये आपकी आखिरी स्लाइड आ गई। ठीक है, ठीक है जी, मज़ीद अभी इनमें हम डेटा डाल देते हैं ताकि आपको जो है वो चीज़ें पता चल जाएं। हम पहली स्लाइड में गए, हमने क्या किया, मैंने ऑलरेडी जो है वो स्लाइड्स बना के रखी हैं, प्रेजेंटेशन पूरी देखें, अब फिलहाल प्रैक्टिकल ना करें बाद में क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये दो मैंने आपको बना के दिखाई हैं, ये बहुत छोटी है, चलो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब देखें मैंने कुछ चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं,
ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बना के मैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल देता हूँ, तो आपके सामने जो है वो चीज़ें बन के आ जाएंगी। ये वेलकम की प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल ए करूँगा और कंट्रोल सी कर लूँगा, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है यहाँ पे देखें, यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगा और मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूँगा। अब इसमें यह है कि मैंने ऑलरेडी एनिमेशंस बनाई हुई हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी एनिमेशंस बनी बनाई आ जाएंगी। अबाउट की स्लाइड में मैं जाऊँगा और यहाँ से जाकर मैं अबाउट की चीज़ें कंट्रोल ए सॉरी कंट्रोल सी, ये जो मैं चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी इनमें एनिमेशन भी लगी हुई है, ये आगे चलकर हम एनिमेशन भी सीखेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी और इनको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं आ गया हिस्ट्री में और यहाँ से मैंने हिस्ट्री की स्लाइड अलग से बनाई हुई है, ये देखें सॉरी ये मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दूँगा, ठीक है। मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ। हमेशा इतना डेटा बनाएं जो आपकी स्लाइड में एडजस्ट हो जाए, अगर बड़ा होगा तो ये इस एरिया में सेलेक्ट एडजस्ट नहीं होगा। फोर स्लाइड टाइमलाइन में मैं चला आया, टाइमलाइन का डेटा मैं टाइमलाइन पर डाल देता हूँ, देखें ये मेरी टाइमलाइन है। सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इनको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्लाइड टीम, और जी मैं आ जाऊँगा टीम की स्लाइड पे और इसमें से चीज़ें मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी और मैं डाल दूँगा टीम की स्लाइड में कंट्रोल वी। अब ये क्या हो गया, अच्छा इसमें एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा है तो उसको मैं हटा देता हूँ, ये मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं थी, पहले भी स्लाइड में मैंने एक को हटा दिया था। अब यहाँ पे देखें ये क्योंकि टेक्स्ट का मैंने डेटा वाइट रखा हुआ है, तो आप डार्क बैकग्राउंड इसका रख दें तो आप इसको सेट कर देंगे। आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसके कलर को हम ब्लैक कर देंगे, सॉरी जी क्या हो गया, एक मिनट चले इनको हम पहले एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं वहीं से जाके इसको सेट कर देता हूँ ताकि यहीं से मैं इसको जो है फिर ले जा सकूँ ना आगे। मैं इसको चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहीं पे इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको ले जाकर अपनी स्लाइड में डाल दूंगा। अब ये देखें मेरे पास प्रॉपर जो है वो आ गया और मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट
कर सकता हूँ। मैं स्लाइड पर क्लिक करूँगा। स्लाइड पर क्लिक करने के बाद कलर मैंने इसका ब्लैक कर दिया, देखें। अच्छा, अब मैं आ गया सर्विसेज की स्लाइड में और यहाँ से मैं सर्विसेज की स्लाइड का डेटा ले लूँगा। ये जो मैंने, ये असल में थोड़ा सा लंबा बना हुआ है, वहाँ पर मुझे एक एक चीज़ करके जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगी। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर दूँगा। इस तरीके से डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, देखें ये सारी चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ। ये एक एक ऑब्जेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको मैं यहाँ पर रखूँगा क्योंकि एनिमेशन मैंने ऑलरेडी इसमें लगाई हुई है, तो एनिमेशन मेरे जो है वो उसके साथ कॉपी होती जा रही है। जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ तो एनिमेशन ऑलरेडी कॉपी होकर आ रही है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से जो है वो ताकि ये बराबर आ जाए, क्योंकि जगह छोटी है। किसका बज गया, ये दिखा रहा आप लोगों को इसलिए हूं कि कहीं आप लोग ये ना समझो कि बस बैठ गए और हम कर लेंगे सारी चीज़ें। तो मेहनत करनी है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। ये फिर मैं आपको लास्ट में चला के भी दिखाऊंगा कि कैसे चलेगी। कोशिश करें ये भी बराबर हो। अब आ गई हमारी फॉलो की स्लाइड, और फॉलो की स्लाइड में हमारे पास लास्ट डेटा है फॉलो का, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दूँगा, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब देखें मैं इस स्लाइड को रन करता हूँ, आ रही है देखें वेलकम की स्लाइड आपके सामने, वही चीज़ जो मैंने बनाई हुई थी वही चीज़ आपके सामने आ रही है। ये देखें, ठीक है जी, अबाउट, हिस्ट्री, वही एनिमेशन, वही चीज़ें आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। आ रहा हूँ सर। हाँ सर, टाइम का करते हैं, क्लास तो लें फिर बाद में पार्टी करेंगे सर, कोई इशू नहीं। हाँ आप ले लेना, चाबी ले लें, चले जाएं, शमीम साहब से ले लें, केक तो इन्होंने भी खाना है, ले लें सर, शमीम साहब से ले लें, ठीक है जी। ये टीम की स्लाइड विद एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन जब आप एक बार डाल देते हो फिर आप जब ऑब्जेक्ट कॉपी करते हो तो एनिमेशन उसके साथ कॉपी होके आ जाती है। अब आप ये देखें कि ये इन सारी स्लाइड्स की एनिमेशन भी बनानी है, एक एक चीज़ की एनिमेशन अलग से बनेगी, ऐसे देखें ये चीज़। और ये आपकी फॉलो समझें, ये आपने बनाई। अब होगा, आप सिर्फ एक ही जो फ्रंट की स्लाइड्स हैं वो बना दें, फिर हम इंशाल्लाह कल एक एक करके जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको हम बनाने की कोशिश करेंगे कि टीम की स्लाइड हमने कैसी बनाई, और टाइमलाइन की स्लाइड में कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ, हिस्ट्री की जो है वो टाइम उसमें स्लाइड में कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ हुए,
किस तरीके से हमने इसको बनाया, एक एक चीज़, ये चीज़ आपको जो है वो वीडियोस में भी मिलेगी। कोशिश करें उसको देखें, अपने पास प्रैक्टिस करें और उसको चीज़ें सीखने की जो है वो आप कोशिश करें ताकि आप चीज़ें सीख जाएं। ये एक प्रोफेशनल जो है वो क्लास है, तो आपको कम से कम प्रोफेशनल चीज़ें इसमें आनी चाहिए। ठीक है जी, अब आएगा समझ में, देखते हैं कितना आता है। अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं ज़रा अरेंज करता हूँ आप लोग के लिए पार्टी। हाँ हाँ, नमाज़ पढ़ के आएँ, नमाज़ पढ़ के आएँ तसल्ली के साथ। एक मिनट, मैं ज़रा चीज़ें संभालूँ। सर इसको स्टॉप कर दें।